नमस्कार श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से मैं संतोष आप सभी जागरूक माता पिता का अभिनंदन करती हूँ देखिए ये कच्ची माटी के पौधे हैं ये कच्ची माटी के पौधे हैं तू इनका निर्माता है तूने ही तो जन्म दिया तू इनका भाग्य विधाता है आपकी इनिक्वालिटी को लेकर आपकी इन विशिष्टताओं को लेकर हम फिर से आपका अभिनंदन करते हैं और उन सभी सभी व्यक्तियों का सभी माता पिताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस कार्यक्रम को बहुत प्यार के साथ देख रहे हैं उनको लाइक कर रहे हैं उनको कमेंट कर रहे हैं उनको शेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरा पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन और पूरी अरविंदो सोसाइटी की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन कल हमने बताया था कि सहानुभूति के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए चलिए आज थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं शब्द तो शायद वो नहीं होंगे पर मैं एक उसका सार फिर से एक बार कर देती हूँ हमने जब बताया कि सहानुभूति के माध्यम से कि लाख जमाने भर की डिग्रियां हो हमारे पास पर यदि अपनों की तकलीफ नहीं पड़ पाए तो हम अनपढ़ कि चाहे हमारे पास कितनी सारी डिग्रियां हैं हमने खूब सारी एक विशिष्टताएं ग्रहण कर रखी हैं पर अपने ही व्यक्तियों की अपने ही घर के लोगों की अपने ही परिवार की अगर हम संवेदनाओं को अनुभव नहीं कर पाए उनके प्रतिक्रियाएं नहीं कर पाए तो हमारा तो जीवन व्यर्थ है हमारी सारी वो डिग्रिया व्यर्थ है यदि देखिए गिव योर हैंड टू सर्व एंड हर्ड टू लव और हृदय मतलब अपने हाथों को हमेशा सेवा के लिए दो और अपने हृदय को हमेशा प्यार के लिए दो खुद को एक शानदार व्यक्तित्व में विकसित कीजिए सभी माता पिता के लिए मैं कहती हूँ कि खुद को एक शानदार व्यक्तित्व तो में विकसित कीजिए नहीं तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली सड़क पर मौजूद होगा क्योंकि वो आपके बच्चे को भरमा लेगा और आपकी स्थिति बहुत ही असहाय हो जाएगी क्योंकि वो आपका अमूल्य रत्न है जो आपसे छिन जाएगा इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका व्यक्तित्व तो इस तरह का हो कि एक शानदार व्यक्तित्व तो की आपकी तरफ एक चुंबकीय आकर्षण आपके के आप में हो जिससे कि आपका बच्चा आपकी तरफ खींचा चला है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और एक और भी बात है द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज व्हेन योर फैमिली सपोर्ट सपोर्ट एज योर फ्रेंड The best part of your life is when your family support as you friend and your friend support as you a family. yani कि आपका सबसे बड़ा पार्ट वो है जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा तब होता है जब आपकी फैमिली आपको एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट करती है और वो सबसे बड़ा फ्रेंड होता है जो आपकी फैमिली हो जाता है यानी अब बच्चे के लिए आप सोचिए कि उसके लिए फ्रेंड फैमिली हो जाए और आपका जो आपका जो दायरा है आपका फ्रेंड फैमिली हो जाए और आपकी फैमिली आपको फ्रेंड की तरह सपोर्ट करे ये सबसे बड़ी बात है मैं चाहती हूँ कि बच्चा फ्रेंड से शायद फैमिली के टर्म्स ना करे फैमिली के साथ वो संबंध ना बनाए बल्कि आप उसके एक अच्छे दोस्त की तरह बन जाए चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए के मानते हैं कि चेतना चेतना गतिविधि का परिणाम है चेतन कैसे होते हैं हम गतिविधियों के माध्यम से और गतिविधियां कौन सी हैं शारीरिक गतिविधियां मानसिक गतिविधियां तो वो कैसे प्रकट होती है हमारी हमारे चित्त के उमंग से मन के बहलाव से इधर उधर उछलने कूदने से दौड़ धूप से या कोई साधन काम से, ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? खेल है? आज हम आपको यही बता रहे हैं कि खेल के माध्यम से हम बच्चे का व्यक्तित्व तो निर्माण कैसे कर सकते हैं खेल की व्यक्ति के जीवन में बालक के जीवन में कितने बड़ा महत्व है आज हम यही इसी बात पर आपसे चर्चा करेंगे आप आप एक बात सोचिए कि आप किसी घर में जाते हैं वहां पर उनका बच्चा बहुत होशियार है थ्योरिकल तो इतना होशियार है सैद्धांतिक रूप से होशियार है हमेशा कक्षा में फर्स्ट आता है पर उससे बात करें तो बिल्कुल ऐसे गुमसुम सा अपने कमरे में चलाता है चला जाता है आपसे ना कोई बात करता है न चीत करता है और एक तरफ आप दूसरी जगह जाते हैं कि बच्चा इतना बड़ा होशियार नहीं है इतना होशियार नहीं है पर कक्षा में ऐसा नहीं है कि वो, वो कक्षा की सारी बातें ना समझता हो पर यह बहुत विशिष्ट नहीं है परंतु हर चीज में जिसे कहते हैं ना हरफन मौला बहुमुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति व्यक्ति उसको खेल में भी रुचि है नृत्य में भी रुचि है खेल नृत्य ये सब और अपने घर के कामों को अपनी जिम्मेदारियों को भी सही ढंग से निभाता है सब लोगों का आदर करता है सम्मान करता है ना उसके अंदर कभी अभिमान है और ना ही कभी उसके अंदर कोई हीन भावना है तो बच्चा कौन सा अच्छा हुआ बच्चा तो दूसरे वाला अच्छा हुआ अब ये कहते हैं ना बैक वेंचर कि बैक वेंचर जो है वो अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगी कि बैक वेंचर जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है कारण क्या है जब टीचर कॉपी लेने के लिए कलेक्ट करने जाती है तो उसको इतने अच्छे अच्छे बहाने आते हैं इतनी अच्छी अच्छी बुद्धि लगाता है और इतने अच्छे ढंग करता है जैसे कि टेस्ट की कॉपी उसने टेस्ट नहीं दिया उसे पता है नहीं अच्छा हुआ वो कोई और कॉपी उसके अंदर रखाता है या फिर अपने माता पिता को ऐसी अच्छी अच्छी बातें बनाता है तो देखा जाए कि उसका मानसिक स्तर उस विशिष्ट बच्चे से तो ज्यादा अच्छा है ना क्योंकि उसका जो है बस असली बात क्या हुई उसको दिशा निर्देशन नहीं मिला उसको तो सही ढंग से गाइड नहीं किया गया पर जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है वो फौरन कहता है hey भगवान आज जो है टीचर कक्षा में ना आए अगर वो आए और उसने काम पूछा तो मैं तो ये वाला उसका एकदम कहना चाहिए या तत्क्षणमति या प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी तेजी से काम करता है कि वो के माध्यम से बहाने सोच सकता है यदि उसको सही दिशा मिल जाए तो शायद वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा आज तो वैसे भी इंजीनियर्स डे है और इंजीनियर्स जो है बहुत ही दिमाग के होते हैं पर ये तो मैं नहीं कहूंगी कि वो बैक बेंचर रहे होंगे या नहीं पर फिर भी जिसका दिमाग तेज होता है जिसका कार्य में कोई चीज जैसे खराब हो जाए और वो एकदम आपका बच्चे में भी आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज खराब पड़ी हो तो एकदम से सोचता है मम्मा इसको हम ऐसे कर सकते हैं इसको लाइए मुझे दीजिए मैं अभी ठीक कर देता हूँ और पापा आपका ये सूटकेस ठीक काम नहीं कर रहा है ठीक नहीं लाइये आप किसके तो वो भी तो एक बड़ा इंजीनियर है तो आप क्या कहते हैं देखिए है बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है और उसको इस तरह का मत बनाइए कि ये मत सोचिए आज जो है एक समय था जो आपका हमारा समय था जिसमें माता पिता बस ये सोचते थे पढ़ो 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 आज का जीवन ऐसा है कि पढ़ाई को भी हम खेल के माध्यम से ही बच्चे को सिखाते चले जाएं तो क्यों ना हम नवीनीकरण का विकास करें हम क्यों नहीं अपने अंदर से जीवन में नए उसमें नए प्रक्रियाओं को लाकर बच्चे को सुयोग्य बनाएं जरूरी नहीं है मैं शुरू में भी कहती थी कि बच्चे के अंदर सभी संभावनाएं हैं एक फल के बीज की तरह से संभावनाएं हैं पर उसका ता, उसका विकास करना ही हमारा उद्देश्य है तो आइए आज हम चलते हैं मुझे कुंवर बेचैन के एक पंक्ति याद आ रही है कि नन्हे बच्चों से छीन के भोला बचपन नन्हे बच्चों से छीन के भोला बचपन उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया क्या है छोटे छोटे से बच्चे चाहता है बच्चा खेलना चाहता है कूदना पर हम उसे जबरदस्ती बैठा देते नहीं पढ़ कपड़े कैसे गंदे करके आया अरे भाई बच्चा है कपड़े तो गंदे करेगा ही पर हम उसे जबरदस्ती साफ सुथरा बना करके यहाँ क्यों फैलाया यहाँ क्यों फैलाया और हम उसको जबरदस्ती सामने बिठा, बिठा के ये दिखाते हैं सिर्फ हमारा उद्देश्य वैसे अधिकतर क्या होता है कि समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा बने कि उसका बच्चा कितना साफ सुथरा है उसका बच्चा कितना होशियार है यहाँ तक कि पिछली आजकल की माताओं को तो शायद नहीं देखती और अगर वो करती भी हैं तो बहुत गलत करती हैं तुलनात्मक अध्ययन करती है उसका बच्चा कितना साफ तो है उसका बच्चा कितना है अरे अपना बच्चा तो है और बच्चे को जब कहो कि उसका बच्चा ऐसा है तो वो तो चिढ़ जाता है बुरी तरह से तो कभी भी तुलनात्म तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक स्थिति मत पैदा करिए तुलना मत करिए अपने बच्चे की उसको अगर वो पहला कर कोई काम कर रहा है और बहुत तन्मय होकर काम कर रहा है करने दीजिए उसे चलिए हम अपने विषय पर आते हैं और वही बात मैं कुमार बैचैन जी की उस कविता के, के विषय में बता रही हूँ कि वास्तव में हम बच्चे को होशियार बनाने के चक्कर में जबरदस्ती उनका भोलापन उनका उनकी उनकी जो वास्तविक एक बाल सुलभ चेष्टा है उनको समाप्त करते चले जा रहे हैं तो क्या है आइए देखते हैं कि ये खेल में होता क्या है खेल का संबंध एक बहुत ही व्यापक खेल का अर्थ बहुत ही व्यापक और एक महत्वपूर्ण तो है खेल के माध्यम से अगर इससे कहा जाए एक तरह से कि खेल को हम मानवीय व्यवहार का ज्ञान भी कह सकते हैं मानव का जो व्यवहार का ज्ञान है वो खेल के माध्यम से ही प्राप्त होता है खेल में हमें बच्चे बच्चे के में बच्चे क्या हमारे अंदर भी एक चित्त की उमंग पैदा होती है हम मन बहलाव करते हैं व्यायाम के लिए उछल कूद करते हैं हैं और क्या कहते हैं दौड़ धूप करते हैं और कोई भी साधारण ऐसा काम जिससे कि हमारे मन में प्रसन्नता होती है हम एक स्वयं को कोई भी ऐसी क्रियाएं हम करते हैं कि अपने लिए की जाने वाली एक क्रियाएं जो कि कोई उद्देश्य नहीं होता उसको एक निरुद्देश्य होती है बिना उद्देश्य के हम कोई भी अपने मन की उमंग को जगाने की कोई भी क्रिया करते हैं और उसका अंतिम विचार का परिणाम किए बिना कि ये नहीं सोचते इसका विचार, अंतिम परिणाम क्या होगा ये है बस खेलना है तो खेलना है बच्चा चल रहा है तो ढेले मारते हुए चल रहा है ढेले को पैर से मारते हुए चल रहा है चल रहा है पत्तियों को देखते हुए चल रहा है पत्तियों को तोड़ रहा है ये सब क्या है एक उसके मन की एक संतुष्टि के लिए मन में एक मन में एक उत्साह लाने के लिए वो सारी चीजें ये सारी चीजें छोटी मोटी जो बच्चा करता है अनायास ही वो सब खेल के आ जाती है अति परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जिससे प्राप्त होने कोई भी क्रिया जिससे कि प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है यानी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया आनंद आनंद क्रिया गतिविधि उससे उसके अंदर ये हो गया आनंद की प्राप्ति हो गई एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिसे वो करना चाहता है यानी जब बच्चा कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए वो चाहता है वो स्वतंत्र हो कोई उसको टोका टाक ना करे बस मैं जो काम कर रहा हूं मैं कर रहा हूं और व्यस्तता से एकाग्रता से वो उस कार्य को करता है पर हम क्या करते हैं उसके अंदर कई बार बंधन लगाते हैं नहीं नहीं तू खेलने नहीं जाएगा अभी नहीं करेगा ये क्या फैला रखा है क्यों खेल रहा है तू इसे तो क्या होता है कि जो अधिक बंधन से बच्चे में बच्चे में सही गलत की समझ तो होती नहीं कि ये तो आपने स्पष्ट बता रहे कि मैं क्यों मना रहा हूँ मना कर रहा हूँ पर कई बार ऐसा होता है बस ये है कि उसको माननी है हमारी आदत तो वो एकदम कसम आता है और उसके बंधनों में जब हम कर देते हैं नहीं तुझे इस समय ये जाना है तुझे ये ही करना है और उसका मन कर रहा है मैं खेलू बच्चों के साथ खेलू सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं कई बार मैं आपको बताऊं कि बच्चे के मोबाइल जो है बच्चा खेल मोबाइल पे दे, 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 देखना चाहता है आजकल सबसे बड़ी बीमारी हो गई है क्योंकि आज परिस्थिति भी ऐसी है कि हम आपको मोबाइल और टेलीविजन को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि आज की शिक्षा ही ऑनलाइन हो रही है तो उसको नहीं तो बच्चे को आप कभी देखेंगे उसके दो तीन दोस्त आ जाए घर पर या बात करें तो क्या होगा कि वो उसमें इतना रम जाता है कि उसे मोबाइल भी वो की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कई माता पिता परेशान होते मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता मेरा मोबाइल नहीं छोड़ता तो जब वो बच्चों के साथ खेलने लगता है या कोई खेल होता है तो उससे उसका ध्यान भी हटाया जा सकता है तो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि अधिक बंधनों से बच्चे में सही गलत की समझ तो होती नहीं और उसके साथ उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी अधिक नहीं हो पाता कई बार एक घर में जाके जैसे मैंने अभी बताया था कि एक थ्योरिकल पढ़ने वाला बच्चा है एक प्रैक्टिकल वर, करने वाला प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसके घर में प्रैक्टिकल लाइफ को जोड़ दिया जाता है एक में थ्योरिकल लाइफ को तो बच्चा कौन सा ज्यादा अच्छा व्यक्तित्व का विकसित हुआ प्रैक्टिकल लाइफ वाला तो हमें चाहिए कि हम बच्चे के साथ बच्चे की उमंगों के साथ ना खेलें हम उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से खेल की ओर ही प्रेरित करें अच्छा अब कई बार क्या होता है हम सोचते हैं मेरा बच्चा ना खेलने जाएगा कहीं कोई उसको मारना दे कहीं उसको पीटना दे कहीं वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो सब बच्चे खेल रहे हैं उसे तो खिला नहीं रहे अरे उसको सोचिए उसको खुद करने दीजिए आगे उसके अंदर खुद भी उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करिए कि वो आश्रित आप पर हर समय आश्रित ना रहे तो क्या है कि केवल सोच का फर्क होता है वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती ये समस्याएं तो आएंगी केवल हम सोचते रहते हैं है हमारा बच्चा कहीं हीन भाव में यू, हीन भावना से युक्त ना हो जाए या फिर क्या कहते हैं कहीं कोई उसे मार ना दे पीट ना दे अरे उसे लड़ने के लिए प्रेरित कीजिए तो इसीलिए मैं कहती हूँ कमजोर कम नहीं बनाती वरन मजबूत बनाने के लिए ही वो हमारे पास आती हैं समस्याएं इसलिए बच्चे को उत्तरदायित्व सौंपिए और उस पर विश्वास देखिए अब आते हैं हम कि आखिर खेल की विशेषताएं क्या है कि अब तो हम कह रहे थे कि खेल है क्या अब हम विशेषता है है? एक ऐसा खेल एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग दूसरे के स्व यानी सेल्फ के द्वारा उस समय किया जाता है जब हमारी विभिन्न मूल प्रवृत्तियां अपने आप को प्रकाश मिलाने की चेष्टा करती है यानी हमारी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं और सहज प्र... मूल प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप को सबके सामने प्रकट करना चाहती है अपनी उमंग को उत्साह को अपने दौड़ भाग को शारीरिक क्रियाओं को अपने भय मुक्त व्यवहार को क्रोध मुक्त व्यवहार को जो प्रकट करना चाहती है क्रोध भी आ रहा है तो क्रोध से हम कैसे मुक्त हो रहे हैं वो सारा हमें स्पष्ट हो जाता है इसलिए हम इसलिए ही इसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों और सहज प्रवृत्तियों का शोधन हो जाता है अच्छी तरह से मज जाती है साफ हो जाती है उनके शुद्धिकरण हो जाता है एक तरह से अब देखिए अब इनकी विशेषता सबसे पहली विशेषता जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात खेल की प्रवृत्ति होती है एक जन्मजात और ये खेल जो है बच्चे की जन्मजात और सहज प्रवृत्ति है जब छोटा सा बच्चा हुआ उसके अंदर संवेगात्मक स्थिति में तो हुआ रोना थोड़ी देर में थोड़ा सा वो अपने हाथ पैर हिलाता है उसका अंगड़ाई लेता है जब हम आके उसे देखते हैं तो हम कहते हैं वो बच्चा खेल रहा है ना कैसे खेल रहा है ना बच्चा तो खेल रहा है धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है मुझे सूरदास का एक पद की एक पंक्ति याद आती है हम पलक हरी मूंद लेते हैं अधर पलक हरी मूंद लेते हैं हम अधर फरकावे सोवत जान मौन है रह रही सोवत जान मौन है रह रही करी करी सहन बतावे यानी छोटा सा बच्चा है क्या कर रहा है कि कभी कभी तो उसे देख रहा है नंद बाबा और यशोदा देखने आ रहे हैं तो कब कस के अपनी पलके बंद कर रहा है हैं? और क्या कर रहा है की कबू पलि मुता है कबूँ उधर फरकावे और कभी क्योंकि जब बच्चा एक्टिंग करता है ना प्रटेंड करता है कि मैं सो रहा हूँ तो उसके होठ जो है हिलने लगते हैं तो कब उधर फरकावे सोवत जान मौन वह रह रही तो सोवत जान ये बताने के लिए कि मैं सो रहा हूँ करी करी सहन बतावे वो कर करके अपना शयन अपना सोना उनको बताए जा रहे हैं और ऐसे ही बच्चा जो है क्या करता है कि इस तरह की मतलब ये कहो सारी बातों से इन सब बातों का एक ही निचोड़ निकलता है कि बच्चे की खेल हमारी जन्मजात और सहज प्रवृत्ति है स्वाभाविक प्रवृत्ति है अब खेल क्या होता है स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है अभी मैंने उससे पहले बताया कि बच्चा खेलने में अपने को आजाद चाहता है स्वतंत्र चाहता है और अपने से प्रेरित होता है वो नहीं चाहता कि दूसरा बड़ा आदमी उसको प्रेरित करे वो चाहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं अब मुझे क्रॉलिंग नहीं करनी मुझे सरकना नहीं है मुझे घुटनों के बल नहीं चलना मुझे खड़ा होना है मुझे चलना है और मुझे दौड़ना है और वो रेंगना नहीं चलना चाहता है दौड़ना चाहता है भागना चाहता है तो स्वतंत्र और आत्मप्रेरित होता है स्फूर्ति और आनंद आता है क्या होता है उसके अंदर एक जोश होता है जब बच्चा खेलता होता है उसका मुंह लाल हो रहा होता है पसीने से लत होता है और फिर भी वो भागता है किसी किसी को 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 पकड़ने के 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 लिए बॉल को देने के लिए लिए खेलने बॉल देने या उसमें या बॉल को देने के लिए या फिर ऊंची नीचे खेल रहा है तो ऊंच पर जल्दी चढ़ जाएगा नीच पर है कि हम तो तुम्हारी ऊंच पे हम तो तुम्हारी नीच पर इस तरह से वो क्या होता है कि आनंद स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता होता है, अपने से स्फूर्ति और आनंद उसके अंदर आता है अब उसके अंदर जोश होता है आनंद होता है उसके अंदर रक्त संचार की तीव्रता होती चली जाती है और जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह स्वस्थ व्यक्ति बनता चला जाता है और उसके उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती जाती है उसी के माध्यम से क्या है उसके की भूख भी बढ़ती जाती है और उसकी लंबाई भी बढ़ने लगती है चौड़ाई भी बढ़ने लगती है क्योंकि उसका विकास सही ढंग से हो रहा होता है स्फूर्तियां कुछ सी, सीमा तक इसमें रचनात्मकता भी होती है आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे या कहीं आप नदी किनारे जाएं तो आप भी बड़े होकर के भी आप कई बार करते हैं कि वो रेत होती है

पतंगों का निर्माण करते रहेंगे इस तरह से वो जो है उसके अंदर और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं घर में ही बिजनेस का एक खेल होता है बिजनेस का वो करने लगते हैं और उससे सोचते हैं कि, कि किस तरह से दुकानदार बेचता है और किस तरह से हम उस चीज को खरीदते हैं तो कोई कस्टमर बन जाता है कोई सेलर बन जाता है और इस तरह से उनकी रचनात्मकता का विकास होता चला जाता है और खेल हमेशा स्वयं के लिए खे, खेल खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है यानी खेल जो है ये नहीं है मैंने शुरू में ही बताया कोई उद्देश्य नहीं होता कोई लक्ष्य नहीं होता बस खेल हमेशा खेल के लिए खेला जाता है यानी स्वानंद अनुभूति के लिए अपने आनंद के अनुभूति के लिए अब आप जो है घूमने जाते हैं मैं पहले आप पहले आपसे बात करूं बच्चों की क्या बात करूं आप अगर टहलने जाते हैं तो टहलने में आप सोचते हैं हाई मैं इतने मिनट चल लिया मुझे इतने मिनट घूमना है या आप सारी चारों ओर की प्रकृति को निहारते हुए चलते हैं हमेशा ध्यान रखें तो वही आप अपने बच्चों को सिखाइए अपने बच्चों को अपने साथ साथ लेकर चलिए और उन्हें दिखाइए कि देखो घास कितनी नरम होती है इस पर ओस है ओस पर पर नंगे पैर चलने पर हमें कितना अच्छा लगता है तो ये उनको ये समझाइए वॉक एज यू आर किसिंग द अर्थ विद योर फीट आप घास पर इस तरह से पृथ्वी पर इस तरह से चलिए कि जैसे पृथ्वी को आपके पैर चुम रहे हो आप उसकी एहसास करिए अभी मैं आपको बता रही थी कि कई बार हम लोग सहानुभूति में ही मैं बताना चाह रही थी शायद भूल गई कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब हम सोकर उठते हैं तो उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करते हैं और पृथ्वी को प्रणाम करने का मतलब है कि हे पृथ्वी मैं तेरे ऊपर भार रखने जा रहा हूं अपने शरीर का तो तो उसकी अनुमति दे कि मैं उसके साथ खेल सकूं तो वही इसे कि उस आनंद को आप अनुभव करिए जब आपका बच्चा या आप पृथ्वी पर चल रहे हैं तो इस तरह से चलिए कि जैसे पृथ्वी पृथ्वी को आपके पैर चूम रहे हैं उसको इतने आनंद की अनुभूति लेकर के चलिए और बालकों को भी ये समझाइए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी उसके बाद ही तदनंतर तद ही, आप अनुरूप उसके माध्यम से वैसा कार्य कर पाएंगे खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित केंद्रित कर लेता है ये पक्का है जब आप खेलते हैं आपको अपने बचपन को याद कर लीजिए बचपन किशोर अवस्था युवा अवस्था जो युवा अवस्था के खेल है शतरंज वगैरह आप खेलते हैं तो आप पूरे एकाग्र होते हैं हम्म hmm? किस तरह से इसके का किंग जो है पीट दिया जाए किस तरह से इसका वजीर खत्म कर दिया जाए प्यादों से किस तरह है? और आप कितने हैं? तो आप पूरी तरह एकाग्र होते हैं एक बच्चा जब पतंग उड़ा रहा होता है वो इतना एकाग्र होता है कई बार तो परेशानियां भी होती हैं मैं हमेशा बच्चों को एक बात समझाती हूँ कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग लूटने के चक्कर में मत रहिए उड़ाइए जरूर और ऐसी छत पर उड़ाइए जहां पर अच्छी सी मुंडेर बनी हुई हो तो क्या है कि आप उसकी एकाग्रता को देखिए उसका बस ये होता है कि मेरी पतंग कितनी ऊंची जा रही है और किस तरह से मैं दूसरे की पतंग को काट काट दूं तो वो एक उसके अंदर एकाग्रता का और केंद्रीयकरण का विकास होता है और एकाग्रता हर कार्य के लिए जरूरी है अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो आप कोई भी कार्य को भली भांति नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर एकाग्रता आ जाती है केंद्रीयकरण आ जाता है और इसी तरह से देखने हैं कि खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है जैसे अभी पतंग का उदाहरण में ले रही थी आपके साथ तो उसमें क्या है जैसे फुटबॉल ही है पतंग भी है कि शरीर से भी आप काम कर रहे हैं शरीर से भी आपकी डोरी चल रही है और आपके मानसिक रूप से आपका ध्यान उसके प्रति चला आ रहा है और फुटबॉल में भी ऐसी बात है आप शरीर से भी पैर से भी बॉल को किक कर रहे जा रहे हैं और फिर वो क्या कर रहे हैं कि आपका ध्यान है कैसे हम उसको गोल तक पहुंचा पाए तो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं दोनों ही साथ साथ चलती हैं हम पूरी तरह से तो शारीरिक और मानसिक क्रिया है अब देखा जाए तो खेल केवल एक ये साधन है जिसको मैं ये बता ही नहीं सकती कि उसका लक्ष्य क्या है हम ये जान ही नहीं सकते कि खेल जो है आखिर है क्या है किसी किसी उद्देश्य के लिए नहीं खेला जा सकता खेल देखा जाए तो खेल ही खेल का उद्देश्य है और कुछ नहीं है कि हम खेल जो खेल रहे हैं वो खेलने के लिए ही खेल रहे हैं ये सब चीजें तो हमारे अंदर अनायास ही अपने आप उत्पन्न होती जा रही है केंद्रीयकरण है और आपका उमंग है उत्साह है उल्लास है तो खेल केवल हम खेलने के लिए खेलते हैं तो इसलिए खेल एक जनजात सहज प्रवृत्ति है और उसका पूरी तरह से लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है ती अब एक चीज है बच्चों में अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे सारे बच्चों के लिए खिलौने ले लेकर आते हैं मैं जो जहां तक सोचती हूँ ये सिर्फ आप अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए लाते हैं कि मेरा बच्चा इतने महंगे खिलौने से खेला क्योंकि मेरे पास खिलौने ही नहीं होते थे तो आप लाते हैं बच्चे को उसकी वैसी जरूरत नहीं होती छोटा सा बच्चा है उसके सामने अगर कागज रख दो वो कागज को फाड़ता है उसकी आवाज होती है उससे प्रसन्न हो जाता है कटोरी और चम्मच रख दो उससे टन टन करके वो बजाता है उससे प्रसन्न हो जाता है पर हम तो जी कितने महंगे महंगे चीजें लाते हैं चाहे उसके बच्चे को उसका अर्थ भी समझ में ना आए उसकी बात नहीं समझ में आए हम चाहे तो छोटी छोटी चीजों से उसको ऊंट घोड़े वगैरह बनाकर दे सकते हैं जो कि हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो आइडियाज हैं वो अधिकतर जो हम लोगों के ए, इसके आइडियाज बनते हैं कि पढ़ाई के से संबंधित हम जो आइडिया रिव्यू करते हैं जो आप लोग हमें टीचर्स लोग हमें आइडियाज भेजते हैं और उस आइडियाज को हम सेलेक्ट करते हैं उनका आधार भी ये है कि खेल के माध्यम से कैसे बच्चा सीख रहा है इसकी मेमोरी किस तरह से शार्प होगी उसको किस उम्र के साथ तादाद में हो पाएगा किस चीज के साथ हो जाएगा जिससे कि उसका ज्ञानवर्धन हो सके हमारी अरविंदो सोसाइटी इसी चीज को पर अधिक बल देती है तो हाँ बच्चे का अब मुझे बच्चे को अपने खिलौने से बहुत प्यार भी होता है हैं वो 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 अपने खिलौनों को संजो कर रखता है है का एक पद मुझे वो याद है कि कृष्ण जो है अपने घर पर आए तो उनके मुरली और उनके खिलौने पड़े हुए थे तो एकदम यशोदा पर डांट डांटने लगे कि उसका बीच की पंक्ति में सुना रही है। जहते डारे रहत खिलौना राधा जनी ले जाए चुराई तो वो एक बच्चे की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि मेरी चीजें खेल के माध्यम से उसको अपने उत्तरदायित्व का एहसास हो गया अपनी चीज को संभालने का अपने संरक्षण का ख्याल हो जाता है तो क्या है कि बच्चे को खिलौनों से प्रेम बहुत होता है परंतु तो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत महंगे उसके लिए खिलौने लाए बहुत है और ना कभी ये देख करके सोचे पास ऐसा खिलौना है तो मेरे बच्चे के पास भी होना चाहिए अगर बच्चा ऐसा जीत करता है तो आप उसके साथ खेल सकते हैं कई बार आप खुद भी ऊंट घोड़ा बन करके आपके बच्चे के ऊपर चढ़ता है कभी कभी तकियों के माध्यम से बच्चे खेलते रहते हैं लड़ते रहते हैं वो भी एक खेल है और एक ही इस तरह से है कि आप साधारण सी वस्तु लेकर के उसे बच्चे के साथ समझाते हुए खेल सकते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि खेल के लिए आप महंगे खिलौने का ही प्रयोग करें बल्कि और फिर टीन एज में तो जाकर के क्या होता है धीरे धीरे हारमोन्स जो है हमारे हमारे हारमोन्स जो है वो हारमोन्स टीन बच्चों की बुद्धि को ही हर लेते हैं वो तो कई बार क्या है उन्हें ना किसी चीज से मतलब है वो तो खुद खड़े होकर सीना तान के खड़े होने लगते हैं कि आप हो क्या मैं आपकी जायदाद नहीं हूँ कि आप मेरे पीछे पड़े रहते हो है ना मैं आपको क्या मतलब है मैं खुद कर लेता हूं अपना काम तो उस समय तो हमें और भी ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा और हमें एक घटिया दोस्त नहीं बनना उनका उनका एक बढ़िया सा दोस्त बनना है एक अच्छा सा दोस्त जो कि वो अपनी बात को कहे कि पापा ये वाली बात ऐसे हुई थी अगर वो उत्तेजित होकर के भी कोई बात कह रहा है तो ध्यान से सुनते रहिए उसको एक समय पर आकर के उसे समझाइए बेटा देखो ऐसा नहीं ऐसा होता है अगर आप इसको ऐसा करते तो बहुत अच्छा तो हो सकता था कि वो बच्चा जो है उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है इसलिए आप एक घटिया नहीं दोस्त बनो एक बहुत बढ़िया से दोस्त बन जाओ उसके और उसके खेल को विस्तार देते रहिए जिससे कि उसकी मानसिक मानसिक और शारीरिक विकास जो है एक बहुत ही सिस्टमेटिक होता चला जाए चलिए अब हम देखते हैं कि खेल और पढ़ाई या कार्य में अंतर क्या है खेल कैसा होता है पढ़ाई कैसी होती है पढ़ाई रूपी कार्य वैसे कार्य आपके लिए उचित हो जाता है बच्चे के लिए उसको आप पढ़ाई समझ के सोच लीजिए तो कार्य का अर्थ तो होता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के हेतु की जाने वाली क्रिया इसको हम क्या कहते हैं जबकि हमारा कोई उद्देश्य होता है जैसे खेल का कोई उद्देश्य ही नहीं होता परंतु कार्य का कोई उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए हम वो क्रियाएं करते हैं और कुछ लोग कार्य कार्य की श्रेणी कुछ लोग पूर्ति हेतु जाने वाली क्रिया को कार्य की श्रेणी में रखते हैं पर वह तभी कार्य हो सकता है जब वो धन कमाने के लिए किया जाए अगर हम धन कमाने के लिए ज्ञान अर्जन के लिए, द, लिए कोई कार्य कर कोई क्रियाएं करते हैं तो वो हमारी कार्य कहलाती हैं अब खेल में क्या होता है कि खेल का जो उद्देश्य है वो मनोरंजन होता है खेल में हम पूर्ण रूप से मनोरंजन का मन मन को को रंजन माने प्रसन्न करने के लिए खेलते हैं परंतु कार्य में या पढ़ाई में हमें उसका उद्देश्य हमारा मनोरंजन नहीं होता उसमें उसका ज्ञानवर्धन होता है और आप जो कार्य करते हैं उसका धनोपार्जन होता है तो उसमें कोई मनोरंजन नहीं होता अब इसमें आपके खेल में क्या होता है क्रिया में निहित संबंध साधारणतः काल्पनिक होता है जो क्रिया में हम कार्य कर रहे हैं वो कल्पना के अनुसार कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं जैसे बच्चा ट्रेन को बना रहा है तो ट्रेन को चलाने के लिए वो सोच रहा है कि मैं इसका ड्राइवर हूं या पायलट की तरह से वो चल रहा है तो कह रहा है मैं इसको उड़ाने वाला हूँ तो एक कल्पना के आधार पर खेल खेला जाता है परंतु ये कार्य आपका वास्तविक जगत है बच्चों के लिए भी बच्चों के लिए जब पढ़ाई होती है वो वास्तविक जगत होते हैं कि वो वास्तव में उस कार्य को कर रहे हैं पर जो आपका और आपके जब आप धनोपार्जन के लिए जाते हैं तो वो कार्य आपके एक वास्तविक धरातल पर होता है उसमें कोई कल्पना का महत्व तो नहीं होता आयु बढ़ने के साथ साथ खेल की गति धीमी होती चली जाती है जैसे है जैसे कि खेल की जगह हम वास्तविक जगत से ज्यादा प्यार करने लगते हैं आपको भौतिकता की को, को माँ को ये लगता है कि मैं किस तरह से घर को व्यवस्थित कर सकूं मेरे घर में क्या क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं पिता ये सोचता है कि जो है वो किस तरह से घर का निर्माण करें, घर को कैसे बनाए कहाँ से पैसा लाए किस तरह से घर बनाए किस तरह बच्चों की फीस जमा करे पर अब तो दोनों ही माता पिता दोनों ही काम करने लगे हैं खैर दोनों की है पर वास्तव में माता पिता का उद्देश्य यही होता है किस प्रकार घर बनाते कहते हैं कि मकान पुरुष बनाता है और घर स्त्री बनाती है तो दोनों ही अपने काम में लगे रहते हैं तो उनके आयु बढ़ने के साथ साथ उसको वो खेल नहीं उ, खेल खेल जो है उनका कम होता चला जाता है खेलने वो एक बहुत वास्तविक यथार्थ के धरातल पर रहने लगते हैं अब खेलने वाले को तो बहुत लाभ होता है शारीरिक भी मानसिक भी सब प्रकार का लाभ होता है परंतु आपके धनुपार्जन से दूसरे को भी लाभ होता है यानी जिसके लिए जब आप धनुपार्जन करते हैं तो जिस कंपनी के लिए जिस ऑफिस के लिए आप काम करते हैं जिस विभाग के लिए काम करते हैं तो विभाग लाभान्वित होता है आपके पास केवल धन आता है तो जो है कार्य जो है और ऐसे ही पढ़ाई है पढ़ाई जब हम करते हैं होती तो हमारे लिए ही है परंतु उस पढ़ाई से पूरे संसार को लाभ होता है वो एक व्यक्तिगत लाभ नहीं होता और इसमें खेल में आनंद आवश्यक होता है परंतु कार्य में जरूरी नहीं है कि आनंद आवश्यक हो क्योंकि बिना आनंद के भी कार्य तो करना ही पड़ता है तो जो है और कभी कभी खेल बंद कर दो जैसे आप रोक देते हैं अपने बच्चे को तो खेल बंद करने पर उसको क्रोध उत्पन्न होता है गुस्सा आता है परंतु कार्य बंद करने पर ऐसा कुछ नहीं होता आदमी बड़ा संतुष्ट और शांत होता है चलो आज का काम हो गया आज जो मैंने कार्य किया वो समाप्त हो गया अब खेल जो है वो बंधन नहीं अनुभव है कि वो उसमें कोई बंधन नहीं जैसे मैंने बताया कि खेल में बच्चे को आजाद रहना चाहिए तो उसमें कोई बंधन नहीं होता पर बंधन नहीं और उसको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है परंतु कार्य और पढ़ाई में दोनों में बंधन का अनुभव होता है और खेल स्वयं की इच्छा पर निर्भर है कि खेलूं या ना खेलूं परंतु कार्य में क्या होता है वो दूसरे की इच्छा पर आश्रित होता है दूसरी की तरफ से आपको आपको दबाव दबाव होता है है तो आपको पढ़ाई के प्रति भी उसको दिया जाता शुरू में भाई तू ये पढ़ ले इस तरह से तुझे मार्क्स आने या कुछ आ, करना है तो वो दबाव होता है महत्व तो अपनी स्वयं के खेल में स्वयं की क्रिया का महत्व होता है कि हम क्या कर रहे हैं कैसे खेल रहे हैं परंतु इसमें क्रिया का महत्व होता है आप किस क्रिया के माध्यम से लाभ को पहुंचा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को लाभ दे रहे हैं या अपने कार्य को लाभ पहुंचा रहे हैं कई लोग अपने अब ये सारी बातें हैं कि जो खेल और कार्य को फर्क करती है अभी जो है अगर हम कोई भी कार्य इच्छुक होकर के करते हैं तो वो स्वर्ग बन जाता है यहाँ स्वर्ग और नरक कोई भी अगर ये सब एक अवधारणा है, है कि वो स्वर्ग है वो नरक है स्वर्ग में इतना सुख मिलते हैं नरक में इतने दुख मिलते हैं पर वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग और नरक हम यहीं पर हैं जब हम कोई भी कार्य को, को, को एक खेल मान करके खेल मान करके और इच्छुक होकर उसके प्रति इच्छुक होकर कार्य करते हैं तो हमें स्वर्ग की अनुभूति देता है एक प्रसन्नता की अनुभूति देता है परंतु जब हम किसी भी कार्य को अनिच्छुक होकर के जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर करते हैं तो वो क्या हो जाता है वो नरक की तरह से नरक की भांति प्र, हमें प्रतीत होता है तो आइए पहले हम इसको इसको जाने कि ये क्या है एक कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य और खेल के बीच में विभाजित कर देते हैं परंतु देखा जाए तो कार्य और खेल के मध्य में कोई विभाजन रेखा नहीं होती उसको विभाजित नहीं किया जा सकता जो एक के लिए कार्य है वो दूसरे के लिए खेल हो सकता है अब एक बच्चा है बच्चा पुरानी चीजों को संग्रह कर रहा है हैं और उसको रखता जा रहा है तो वो तो उसके लिए खेल हो गया परंतु दूसरा व्यक्ति पुरानी वस्तुओं का संग्रह कर रहा है और उससे धन अर्जित कर रहा है तो उसके लिए कार्य हो उसके लिए वो कार्य हो जाता है ऐसे ही कोई वस्तु बच्चे के लिए खेल हो जाती है और व्यस्क के लिए व्यापार हो जाती है बच्चा चित्रकला बना रहा है तो उसके लिए खेल है, है? परंतु कोई बड़ा व्यक्ति अगर चित्रकला बनाता है वो धनोपार्जन के लिए बनाता है तो उसके लिए कार्य हो जाता है तो ये चीजें एक दूसरे को आच्छादित भी करती हैं और अतिक्रमण भी करती हैं। खेल और कार्य में उनके कारण नहीं कि खेल और कार्य में उनके कारण नहीं किस कारण से किया जा रहा है बल्कि व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि उसका व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है उस कार्य के प्रति उसके खेल के प्रति क्या दृष्टिकोण है तो हमारी जो व्यक्तिगत जो धारणा है वही उस पर निर्भर करती है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं तो व्यक्ति का विकास खेल के माध्यम से ही होता है अगर हम सोचे मैंने कई बार देखा है उसके कई बार देखा है कि व्यक्ति कार्य खेल में अंतर का प्रयास करते हैं परंतु कई जगह मैं ऑफिस हूँ या ये पब्लिक डीलिंग के लिए आपको कभी ऑफिस में किसी जाना होता है कोई व्यक्ति तो ऐसे नाक पे चे, चश्मे चढ़ा के है। हाँ जी क्या बात है क्यों आपको क्या चाहिए अरे कर देंगे कर देंगे कैसे काम एक बहुत ही आत्मीयता से बोलता है हाँ भाई साहब बोलिए आपका क्या काम है बहन जी आप बताइए आप बैठिए अभी मैं आपका बताता हूँ आप मुझे अपनी समस्या तो बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं तो उसने उसको एक मनोरंजन के ढंग से लिया और उस पहले वाले ने क्या किया उसको इस तरह से एक लिया कि जैसे उसको एक मानसिक दबाव पड़ गया उसके को परेशानी हो रही है कठिनाई हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए अपने कार्य को खेल की तरह से ही समायोजित करना चाहिए अनेक व्यक्ति कार्य और खेल के अंतर का प्रयास करते हैं पर ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसको केवल कार्य या खेल कहा जा सके वह क्रिया कार्य है या खेल यह उसके व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है अभी मैं जब घर से निकल रही थी तो मेरी एक छोटी सी छह साल प्लस की पोती है तो उसने कहा दादी आज, आज आप क्या सुनाएंगे आज, आज आप क्या बताएंगे किस पर शेषण लेंगी तो मैंने कहा आज बेटा मैं खेल पर बताऊंगी तो बोले अरे ये तो मैं भी बता सकती हूँ तो मैंने हंस के कहा चलिए आप बताइए ना क्या बताना चाहते हैं तो उसने कहा अरे खेल से तो बहुत मस्ती आती है खेल से हम खूब दौड़ते हैं और पता है जब कभी गुस्सा आ रहा हो तो खेलने चले जाओ तो आप गुस्सा भूल जाते हो तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और खेल में हमें, हमें खूब अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ अपनी सहेलियों के साथ सबके साथ हम अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है जी नहीं करता हमारा आने के लिए है और एक और बात बताऊं फिर मैंने कहा और तो कहती है एक और बात बताऊं कि हम बादल बन जाते हैं बादल बनके वर्षा भी कर सकते हैं मैंने कहा क्या ऐसा कैसे हो सकता है मुझे जरा क्लियर बताओ क्या बात है तो बोले जब हम खेलते हैं तो हम पर पसीना आता है और जब हमारा पसीना आता है तो क्या है वो पसीना बादल बन के बादल, बादल बन जाता है और है उससे क्या हो जाती बरसात हो जाती है मैं उसकी इस बात पर बाकी सारी बातें तो मुझे अच्छी लगी पर ये वाली जो उसकी कल्पना शक्ति थी इस तरह की उसने मुझे इतना हास्य का अतिरेक कर दिया मेरे अंदर इतनी कि मैं रास्ते भर हंसती हुई चली आई कि देखो बच्चे की कल्पना क्या होती है खेल के माध्यम से तो खेल जो है अगर हम अपने कार्य को खेल के साथ समायोजित करें तो बहुत ही अच्छा है और आजकल कई सारे विद्यालय इस क्रिया की तरफ चल गए हैं कि वो बच्चे को एहसास नहीं होने देते कि ये खेल है या पढ़ाई है तो इस तरह के उसमें क्या करते हैं वो कि उस... उस आनंद देते हुए पढ़ाई कराते हैं जैसे भ्रमण के माध्यम से उसको घुमा करके फिरा करके उनकी उनके खुद की चीजों से उनको ज्ञान कराते चले जाते हैं तो वो जो है इससे जैसे चित्रकला कराई कोई भी चीज है अगर आप समझा रहे हैं तो चित्रकला के माध्यम से समझा रहे हैं भ्रमण से समझा रहे हैं और अब खेल के माध्यम से उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है बच्चों को बताया ये काम आपका है ये काम आपका है तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता जा रहा है कोई मैं विद्यालय की बात नहीं कह रही हूँ मैं केवल आपके उसमें कह रही हूं कि आप खेल और कार्य में किस तरह से समायोजन स्थापित कर सकें तो यही बच्चे के अंदर आप उसको आत्मनियंत्रण कि भाई देखो ये छोटा भाई है ये है ये वाली टोली आपकी है ये उसकी टोली है अगर आपके कई सारे बच्चे आ जाएं तो आप उनको उसमें कर सकते हैं जैसे आजकल तो देखो ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि कोरोना की वजह से इस महामारी की वजह से आप बच्चों को ज्यादा नहीं निकाल पा रहे पर अगर आप जो है घर में ही घर में ही आपके घर में छे आठ सदस्य भी हैं, छह सदस्य भी हैं, उनकी टोली बना लें और उनके माध्यम से आप उनके अंदर खेल खिलाएं और उनके अंदर उसके माध्यम से आत्मनियंत्रण की भावना उनके अंदर की भावना, उनके अंदर अंदर की की भावना, भावना, न्याय सहनशीलता की भावना और नेता के प्रति आदर की भावना सम्मान की भावना और उनमें में स्वयं में एक नेतृत्व प्रदान करने की भावना सब किसी को जगा सकते हैं इस तरह की और जो है सद्भावना किसी के प्रति किसी को कष्ट होता है या किस तरह से तो ये सारी चीजें आप खेल और कार्य को जब समायोजित करते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं देखिए गिरना नहीं गिर के संभलना है जिंदगी हमेशा ध्यान रखिए कि हम ये सोचते रहे हमारा कार्य ऐसा है हमारा ये ऐसा है आप आप अपने अंदर नकारात्मक विचार लेते चले आए तो मत सोचिए कि नहीं हो सकता बच्चे के ऊपर इतना पढ़ाई का बोझ है जी मैं कैसे करूं मुझे इतना है आप अगर उसको खेल के माध्यम से ही सोचेंगे तो शायद आप उसे बहुत अच्छा करेंगे तो इसलिए गिरना आप मत सोचिए नकारात्मक विचार नहीं लाइए गिरकर उठ उठना है गिरकर संभालना है जिंदगी ये, और बच्चे जैसा रहना चाहते हैं बच्चे को आजाद रखिए बच्चे को जैसा रहना चाहते हैं उनको वैसा रखिए जितना आप प्रतिबंधित करते हैं उनको बंधन करते हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं और जब खेलते हुए उनकी क्रियाओं के माध्यम से आप उनके साथ एडजस्ट होते हैं तो क्या होता है कि वो आपके साथ संयुक्त होते चले जाते हैं आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और वही आपका सबसे बड़ा बड़ी उपलब्धि है कि आपका बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है तो यही चीज हम खेल के माध्यम से कर सकते हैं आइए चलिए अब हम सोचते हैं कि खेल के प्रकार क्या क्या है अब खेल के प्रकार व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं आपने बचे बच्च, बचपन में खूब खेल खेले होंगे ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना खेल के हो क्योंकि जब अंतर्मुखी व्यक्ति को भी अंतर्मुखी बालक को भी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा दिया जाता है थोड़ी देर में वो बहिर्मुखी बनता जाता है जब वो चाहे किसी को खेल रहा अरे वो जीता वो हारा अरे इसने बेईमानी करी इसने ये किया तो वो धीरे धीरे बहिर्मुखी बनता चला जाता है तो आपने भी अगर आपके व्यक्तित्व का विकास एक बहुत अच्छा हो रहा है आपके आप एक अच्छे माता पिता की तरफ है तो आप जरूर खेले होंगे मैं मान ही नहीं सकती किसी का विकास हो ही नहीं सकता बिना खेल के तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है बच्चे ये इसके प्रकार कौन कौन से एक मैंने बताया व्यक्तिक और एक सामूहिक अब जैसे परीक्षा सबसे बड़े परीक्षणात्मक खेल होते हैं अब उसमें क्या होता है बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है वो चीज को उलटता है पुलटता ही है, क्या है इसको खोलता है तोड़ता है और खेलता है फिर सोचता है कि इसमें ऐसा क्या हुआ तो आप मत रोकिए हमारे टाइम में बड़ा होता था नहीं इसको मत छुओ इसको मत छुओ तो हमें कई बार होता था हम मन महसूस के रह जाते थे और आज भी शायद नवीन चीज को छूने में नवीन चीज को करने में हम हिचकते हैं और उसके कारण जैसे आज के बच्चों को मैं देखती हूँ इतनी टेक्नोलॉजी के आती है सब कुछ आती है हमें तो उतना कुछ भी नहीं आता तो वो सारी चीजें क्यों आई जब आपने उस बच्चे को परीक्षण करने दिया अच्छी तरह से तोड़ने दिया वो पहले क्या होता था ये खिलौना तो आ गया बच्चे के लिए उस खिलौने को तो छेड़ेगा नहीं उसको तो कुछ करेगा नहीं बस खेलने यानी कि माँ बाप खेलेंगे बच्चा नहीं खेलेगा माँ बाप ही चलाएंगे उसको कि ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है तो ये एक परीक्षणात्मक खेल का एक प्रकार है कि वस्तु को हम उलट पुलट कर देखते हैं जिससे एक जिज्ञासा का शमन होता है और उसके माध्यम से ये एक व्यक्तिक खेल है एक व्यक्ति के रूप में होता है एक है गतिशीलता गतिशीलता प्रकार है उसका कि बच्चा दौड़ता है भागता है उछलता है कूदता है कूदता है उससे क्या है उसके शरीर की गति का शरीर में गतिशीलता आती है और उसका विकास भी बढ़ता चला जाता है ये व्यक्तिगत और व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार के खेल हैं जिसमें आपके फुटबॉल भी आ सकती है क्रिकेट भी आ सकती है छुप वो गेंदड़ी जिसमें कि एक गिट्टी रखते चले जाते हैं बच्चे और उसको मारते हैं वो भी आ सकती है और आपका वो ऊंच नीच भी आ सकती है खो भी आ सकती है ये सारे खेल है वो कैसे हो गए आपके जो कि गतिशीलता के है एक होते रचनात्मक खेल जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि आप कहीं मिट्टी में बच्चा बैठा हुआ है तो मिट्टी में बैठकर अपना पैर रख करके घरौंदा बना रहे हैं बच्चे कई बार घर में बैठ के इधर चारपाई लगा देते थे पहले तो बहुत चारपाइयों का प्रयोग था तो चारपाई लगाते थे, थे उसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे ये मेरा घर बन गया अब इसमें एक तरफ ड्राइंग रूम है एक एक तरफ किचन है एक तरफ बेडरूम है हैं इस तरह से बच्चे फिर खेल थे कि कोई आ रहा है हमारे यहाँ तो ये थे रचनात्मक खेल जिसको औंदा बनाना घर बनाना आपके टीले बनाना कभी कभी मिट्टी से पहाड़ की तरह से टीले बना लिए कभी नदी बना ली जैसे कि कई बार ये हम लोग जन्माष्टमी पर बच्चे झांकियां बनाते हैं तो वो क्या है एक रचनात्मक खेल का का प्रकार हो गया निर्माण करना कभी-कभी जब दशहरा आता है तो बच्चे रावण वगैरह बनाते हैं रावण राम रावण फिर रावण दशहरे के लिए रावण बन रहा है और रावण का पूरा का पूरा ढांचा बांस की खपच्चियां काट काट करके उसको लेकर के वो बनाते थे तो और कई बच्चे बैठे हुए पतंग नहीं लाके दे रहे पापा हम अपना बनाएंगे जी हम अपने आप बना रहे हैं तो वो पतंगे बना लेते हैं तो ये सारी क्या है कि हमें खेल के आधार पर रचनात्मकता को जन्म देते हैं ते, और जो है उसकी ये प्रक्रिया दोनों तरह से होती है व्यक्तिक भी है और सामूहिक भी है अब कई खेल ऐसे होते हैं जो लड़ाई के खेल हैं लड़ाई के खेल जैसे हॉकी जैसे आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी चकदे इंडिया दंगल पंगा ये सारे क्या सारे क्या खेल थे एक लड़ाई वाले खेल थे हॉकी है कबड्डी है फुटबॉल है मुक्केबाजी है इस तरह के जो खेल जो कि एक प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं जिसमें कि एक लड़ाई की संभावना होती है वो सब लड़ाई के खेल खेलाए जाते हैं और ये सामूहिक रूप से होते हैं और इनका इनका पूरा आधार सामूहिकता का होता है एक होते हैं बौद्धिक खेल बौद्धिक खेल में क्या होता है जैसे कि प्रा, प्राचीन जमाने में चौपड़ हुई शतरंज है, है और आपका पहेलिया हैं और जो है शतरंज है पहेलिया हैं चौपड़ है और जो आपकी लूडो है सांप सीढ़ी है सांप सीढ़ी में तो खैर ज्यादा इतना बुद्धि का वो नहीं है बुद्धि से संबंधित जो है कोई आपके सुडोकू है और आपकी वर्ग पहेली है ये सब चलिए आज मैं आपको भी एक दो पहेलियां देती हूँ आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा एक मुर्गी चश्म दीदम चलते चलते थक गई एक मुर्गी चश्म दीदम चलते चलते थक गई लाओ चाकू काटो गर्दन फिर वो चलने लग गई फिर से एक बार सुन लीजिए क्योंकि आपको मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में डालें एक मुर्गी चल च, च, चश्म दीदम चलते चलते थक गई लाओ चाकू काटो गर्दन फिर वो चलने लग गई अच्छा दूसरी एक और पहली दे रही हूं पीली पोखर पीले अंडे पीली पोखर पीले अंडे बताओ तो बताओ नहीं तो पड़ेंगे डंडे है ना अब मैं ना क्लू बताऊंगी ना कुछ कमेंट बॉक्स में देखूंगी कि आपके क्या आंसर हैं फिर कल बताऊंगी कि किसके सही थे किसके गलत थे हुँ। और ये सारे जो होते हैं ये सामूहिक भी हो सकती हैं जैसे कक्षा में भी होती हैं घर में बैठे बैठे भी आप पहेलियां पूछ सकते हैं घर में बैठे बैठे आप कई चीजों के गेम्स कर सकते हैं मैथमेटिक्स में बहुत काम आती हैं तो ये जो है सब एक बौद्धिक प्रकार के खेल हैं और इनके अलावा भी हमारे पास कुछ और खेल होते हैं जो जो विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के खेल होते हैं जैसे एक स्वतंत्र और अच्छी खेल बच्चा जो है अकेला बैठकर स्वतंत्र खेल रहा है, है खिलौनों से खेल रहा है या एक शरीर के अंगों से खेल रहा है या चल रहा है जैसे कि मैंने बताया कि आप चल रहे हैं चलते चलते पैर से कोई रास्ते में पत्थर आ गया उस पत्थर को मारते हुए चले जा रहे हैं और वो पत्थर घर तक चला आता है, है। और एक होता है जैसे कि आप अंगों की बात सोच लीजिए तो हम एक प्रकार के ऐसे करके खेल खेलते थे देख ये किसकी परछाई बन रही है ऐसे करके कि ये कौन सी परछाई है पता तो इसको कहते हैं शेडो पपेट्स है ना कि इस तरह उसमें इसमें तो बहुत लोगों ने महारत हा, हासिल कर रखा है मैंने कई बार फेसबुक पर भी और उस पर भी देखा है एक व्यक्ति इतनी अच्छे अच्छे सिर्फ इसी के माध्यम से बहुत सारी बहुत सारा चित्रण कर देता है तो ये सारा एक हम उसके माध्यम से उसका विकास कर सकते हैं तो बच्चा जो है अकेला और स्वतंत्र होकर स्वतंत्र और अच्छे खेल हो जाते हैं उसके कुछ होते हैं झूठ झूठ मूठ के खेल झूठ मूठ के खेल में क्या है कि बच्चा जो है बड़ा सोच रहा है मैं ना बड़ा बन गया एक पटेंट करता है बच्चा उसपे पटेंट कैसे करता है कि जैसे मैं पापा हूं है वो मेरे चाचा वो मेरे चाचा बन गए वो मेरी मम्मी बन वो मम्मी तो अपने को स्वयं में बड़ा सा दिखाई देता और उसी तरह से है उसी तरह दरवाजा खोलना दूसरा जो है टक टक करेगा उसको खोलेगा दरवाजा मैं आपके नमस्ते नमस्ते आइए बैठिए आपके लिए चाय लाए पानी लाए तो इस झूठ मूट के खेल से भी बच्चा बहुत कुछ सीख देता है है बच्चिया क्या करती हैं अपनी मम्मी की साड़ी वगैरह जैसे मम्मी पहनती हैं लिपस्टिक लगाती हैं जिस तरह से चोटी करती वो सब करते हैं आ, ऐसे ही लड़का जो है वो भी बड़े हो करके। क्योंकि वो एक कल्पना करता है कि मैं बड़ा हो करके ऐसा बनूंगा ऐसे कुछ होते हैं माता संबंधी खेल जब बच्चा बहुत छोटा होता है माँ की गोद में होता है बार बार उसके आंचल को पकड़ के झा झा करके मुस्कुराता है और मुझे थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ के साथ ही छुपम छुपाईगा तो, के के तो वन, वन से लेकर टेंथ तक की काउंटिंग तो अब बच्चा ऐसे सीख जाता है की वन से लेके टेंथ तक काउंटिंग उसने की मैं आ जाऊं तो उसने क्या कहते हैं एकदम अनायासी उसके अंदर वो सारी चीज आ गई तो ये है ये बच्चे जो है ये आंख में चोली है आंख में चोली के द्वारा है छुपन छुपाई है ये सारे खेल उस तरह के हैं एक होते हैं संवेगात्मक अनुभव के आधार पर तो उसमें क्या करता है कि बच्चा बच्चा क्या होता है कि एक अनुकरण करता है जैसे कि मैं झांसी की रानी हूँ, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी किसी चीज पर तो वो एक उसके आधार पर उसके आधार पर आ, काम करता है, वो सीखता है वह लड़का वीर शिवाजी बन रहा है या कोई महाराणा प्रताप बन रहा है या कोई अंबेडकर बन रहा है कोई कुछ है जो कि स्कूलों में भी कई बार ये सारे के सारे बच्चों को उसका रूप दिया जाता है और वो सीख जाते हैं तो ये सारा था आज हम क्योंकि खेल का टॉपिक तो मैं रही हूँ बहुत लंबा है तो इसलिए इसको मैं आज यहीं पर समाप्त कर रही हूँ समय होता चला जा रहा है अब बस आप लोगों से यही कहूंगी कि गतिविधि का आधार ही चेतना है गतिविधि के माध्यम से हम चेतन स्तर पर पहुंचते हैं जितना हम गतिविधि करेंगे हम चेतना को उतना ही जागृत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे विजेता वो नहीं हुए जो कभी असफल नहीं हुए विजेता वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते चलिए कल हम खेल के सिद्धांत समझेंगे खेल का महत्व तो समझेंगे और इसके बाद हम आज यही अपना विराम लेते हैं नमस्कार